हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आपके लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो बीच में हमने दो तीन वीडियोस ऐसे लाए ताकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने समझा कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने आपको डायरेक्शंस दी, हमने आपको आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर लाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा जो यूनिट चल रहा था वो 11th पढ़ रहे थे हम फिश प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के ऊपर हमने लेक्चर ऑलरेडी अपडेट किए भी हैं, दो लेक्चर। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा खासकर फिश प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडिशन के ऊपर। यहाँ वैल्यू एडिशन यहाँ सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो प्रोसेसिंग भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो वैल्यू एडिशन होती है वो उसी की होती है जब फिश के प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो स्क्रीन के ऊपर क्या है, पहला क्वेश्चन है द गैस्पी क्योर इज एप्लीकेबल टू। अब गैस्पी क्योर क्या होती है, गैस्पी क्योर ये भी एक वैल्यू एडिशन, ये एक फिश प्रोडक्ट है, ठीक है ना। फिश प्रोडक्ट है जब किसी फिश को लाइट साल्टेड या पिकल क्योर्ड किया जाता है, खासकर कॉड को। किसको, कॉड। कॉड जो फिश है ये लो फैट सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। और इसको अगर ये पूछा जाए कि इंडिया के अंदर कॉड फिश किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर है रूहू। लेकिन जो कॉड है यहाँ, कॉड को लाइट साल्टेड या पिकल क्योर्ड कॉड है, इसको हम ड्राई करते हैं ऐसे मॉइस्चर में जो 34 to 36% हो, तो उसको कहते हैं गैस्पी, ठीक है। तो गैस्पी क्या होता है, गैस्पी जब कॉड को लाइट साल्टेड से या पिकल बनाया जाता है उसको हम कहते हैं गैस्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम दी फिश अंडर कंट्रोल कंडीशन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एट वाटर एक्टिविटी 0.95 द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनहिबिटेड इज, तो इसका क्या आंसर आएगा, ग्राम निगेटिव रॉड्स। क्या आंसर आएगा, ग्राम निगेटिव रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिश प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूएशन के ऊपर वो है डुन डुन स्पॉइलेज इन ड्राई साल्टेड फिश आर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। देखो जो डुन स्पॉइलेज होती है ये द ब्राउन सरफेस ऑफ डिसकोलोरेशन, ये किसकी वजह से होती है, जब ग्रोथ होती है मोल्ड्स ऑफ वैलिमा सीबी, जब इसके वजह से होती है डुन, डी यू एन डुन जो है ये वर्ड, जब अगर आगे एग्जाम के अंदर तो आप वैलिमा सीबी को टिक कर सकते हैं। फिर है जी गोरकापुली और मालाबार टैमारिंड इज यूज्ड एज क्यूरिंग इंग्रेडिएंट इन, तो जो गोरकापुली है या मालाबार है ये क्या है, ये आपको समझने हैं। ये रीजन है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट इंडिया के अंदर ये रीजन है जहाँ पे कोलंबो क्यूरिंग की जाती है। क्या की जाती है, कोलंबो क्यूरिंग जो है वो की जाती है, एक ऐसी पिकलिंग प्रोसेस जहाँ पे वेट साल्ट क्यूरिंग हम बोलते हैं पिलेजिक फिश के ऊपर की जाती है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रेडिशनल बॉयल्ड साल्टेड फिश प्रोडक्ट्स ऑफ इंडोनेशिया फिलिपीन थाईलैंड, तो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पिंडेंग। क्या है, पिंडेंग। अगर क्वेश्चन आ गया पिंडेंग के बारे में तो आप इजिली लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग फिश आवर ए ट्रांसल्यूसेंट टेबल इल्यूमिनेबल फ्राम बिलो टू डिटेक्ट पैरासाइट्स एंड अदर डिफेक्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैंडलिंग। क्या आएगा, कैंडलिंग। अगर वहाँ कैंडलिंग पूछा गया तो आप ये समझ सकते हैं कि ये डिटेक्शन मेथड है जहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है किसको, कोई भी पैरासाइट हो उसको, ठीक। नेक्स्ट जो है द प्रेफर्ड ओरिफाइस साइज ऑफ ड्रम इन मीट पिकलिंग मशीन और डिबूनर इज, इसका आंसर क्या आएगा, 325 mm, 325 mm। कोल्ड स्मोकिंग इज जनरली कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग डैश डैश टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। कोलंबो क्यूरिंग इन श्रीलंका इज कॉल्ड, कोलंबो क्यूरिंग इन श्रीलंका इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा मैरिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैरिनेशन। सबसे
Smoke contains carcinogenic compound called. स्मोक कंटेन्स कार्सोजेनिक कंपाउंड्स. कार्सोजेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3,4-बेंजोपायरीन. 3,4-बेंजोपायरीन जो है इसका सही आंसर है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन हर्डल टेक्नोलॉजी इज अचीव्ड बाई एम्प्लॉइंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल. तो इसका आंसर क्या आएगा. होम्योस्टेसिस यस, मेटाबॉलिक एग्जॉशन यस, स्ट्रेस रिएक्शन यस, ऑल द एबो यस. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो है आइडेंटिफाई द फिजिकल हर्डल. आइडेंटिफाई द फिजिकल हर्डल. तो इसका आंसर क्या आएगा. लो टेम्परेचर. द एपिटाइजिंग रेडिश कलर ऑफ स्कैंडिनेवियंस एंक्वी इज ड्यू टू एडिशन ऑफ. इसका आंसर आएगा सैंडलवुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेमी प्रिजर्व डेलिकेटिसन कॉल्ड टिडबिट्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हिरिंज. In earlier years, the primary species supporting the surimi industry is. ये है अलास्का पोलोक. अलास्का पोलोक जो है इसका सही आंसर है. फिर है द ट्रॉपिकल फिश surimi इज प्राइमरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम surimi. आपको पता है फिश surimi के बारे में. फिश surimi जो है ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है. अब ये एक पेस्ट होती है जो कि हम फिश से बनाई जाती है. अब खासकर जो थ्रेड फिन ब्रीम है, जब हम इससे एक निमिटीडिया फिश है जो एक थ्रेड फिन ब्रीम है, ये इससे एक पेस्ट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं फिश surimi. ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू असिस द जेल स्ट्रेंथ और एशी ऑफ द surimi इज. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू असिस द जेल स्ट्रेंथ और एशी ऑफ द surimi इज. ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है. ओकेडा गैलोमीटर यस, टेक्सचर एनालाइजर यस, रियोमीटर यस, ऑल ऑफ द अबो यस. तो यहां पे अगर हम जेल की बात करें, एसिस थी जेल स्ट्रेंथ. अब इलास्टिक जेल जो है, जो जो जेल होती है, जेल में जिलेटिन आता है, अगर अगर आता है, स्टार्च आता है, ठीक है ना. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है इन जिलेटिन मैकेनिज्म द इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्वेड टू फॉर्म इलास्टिक जेल इज. इलास्टिक जेल क्या है. इलास्टिक जेल जो है, जिस तरह से जेलेटिन अगर अगर है, स्टारच है, जिस तरह हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं ट्रीटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें, इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, ये जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा. बोथ, ठीक है ना. बोथ जो है इसका आंसर आएगा. द ऑब्जेक्शनेबल फिनोमिना इन कम्बोको प्रोसेसिंग इज. कैम्बोको क्या है. कैम्बोको जो है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझानी पड़ती हैं, कोई ऐसी होती है जो आपको आती हैं. जब मैं सिंपल क्वेश्चन को समझाता हूँ तो कई बार कमेंट में आप कहते हैं ये तो आपको, आपने तो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लाया या 10th स्टैंडर्ड का लाया है. तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ जो थोड़ा नॉर्मल होंगे. तो कैम्बोको जो है, मुझे लगता है इसको समझाना पड़ेगा. एक टाइप ऑफ क्यूरिड surimi है, ठीक है ना. एक प्रोसेस्ड सी फूड प्रोडक्ट्स कॉमन इन जापान. ये जापान के अंदर ये कॉमन होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा. ये surimi. ओके, सॉरी, ये कम्बोको प्रोसेसिंग होती है. ये किसका क्या होती है. ये क्यूरिड surimi है, ठीक है ना. अब क्यूरिड surimi को क्या कहते हैं वहाँ पे जापान की, इसके प्रोसेसिंग को मोडोरी. क्या बोलते हैं. मोडोरी प्रोसेसिंग को बोलते हैं मोडोरी. और प्रोसेसिंग किसकी होती है. surimi की होती है. द फर्स्ट पैटेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्विन स्क्रू एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी इज फिल्ड. ये है मिड 1950 में. द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज. ये है एक्सपेंशन. अब एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट क्या होता है. जब हम फोर्स आउट करते हैं, थ्रस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन.
द जिलेटिन प्रोसेस मेडिएटेड बाई ट्रांसग्लूटामिनेस रिक्वायर्स डैश डैश आयंस फॉर इट्स एक्टिविटी। तो क्या आप जानते हैं ट्रांसग्लूटामिनेस क्या होता है? ये मीट ग्लू इज एन एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ सकता है, हम जिलेटिनस की बात हो रही है तो कैल्शियम जो है इसकी एक्टिव आयंस होते हैं जब ये एक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फ्लैश सेपरेटेड फ्राम द फिश कॉम्बिन्यूटेड फॉर्म फ्री फॉर्म स्केल्स बोन्स एंड स्किन, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिन्स, ठीक है। बिल्कुल हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, आप टेंशन मत ले लो, पढ़ो आप, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये ऑलरेडी दिया गया है। द मैथड विच इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस आर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इन टू देयर कॉन्स्टिट्यूंट पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्मेंटेशन। क्या आएगा? फर्मेंटेशन जो है इसका आंसर आएगा। आइडेंटिफाई द फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स इन विच द फिश रिटेन सब्सटेंशली देयर ओरिजिनल फॉर्म और इन विच लार्ज चंक्स आर प्रिजर्व्ड, तो इसको हम बोलते हैं मकासर। वैल्यू एडिशन ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स एंश्योर्स और रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यूटिलाइजेशन ऑफ लो कॉस्ट फिश, यूटिलाइजेशन ऑफ बाई कैच, ऑल ऑफ दी बो। द सुरमी प्रोडक्ट विच इज हॉलो इन शेप एंड इज वाइट इन साइड एंड ब्राउन आउटसाइड, तो उसको हम क्या कहते हैं? चिकवा। क्या बोलते हैं हम? चिकवा। फैक्टर अफेक्टिंग द फॉलिंग रेट पीरियड, उसको हम क्या कहेंगे? एयर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम? एयर वेलोसिटी। द क्राइटेरिया फॉर साल्टिंग ऑफ फिश, लो कॉस्ट यस, न्यूट्रिशनली कंपेरेबल विद अदर्स यस, नो स्पेशल इक्विपमेंट यस, ऑल ऑफ दी वो जो है इसका सही आंसर है, क्राइटेरिया फॉर साल्टिंग ऑफ फिश। फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर हायर मीन्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? ड्राइंग रेट्स विल डिक्रीज, ड्राइंग रेट विल डिक्रीजेस। फिर आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है? ट्रिपेंज इज ड्राइड। क्वेश्चन क्या आ रहा है? ट्रिपेंज इज ड्राइड। ट्रिपेंज क्या होता है? एक लार्ज सी क्यूकम्बर होता है विच इज ईटन एज ए डिलिकेसी इन चाइना एंड जापान। तो आपने आपको मैंने पहले भी बात की थी बैचिडीमर, बैचिडीमर, ठीक है ना, ये इसका ऑप्शन है। और जब बैचिडीमर की बात आएगी तो सी क्यूकम्बर को आप जरूर याद करना। ओके, फिर आइए द सुरमी विच इज साल्ट फ्री इज कॉल्ड, ऐसी सुरमी जब हम फिश की बनाते हैं कॉड की तो अगर साल्ट फ्री होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा म्यून सुरमी। क्या आएगा? म्यून सुरमी। द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ द ड्राइड स्क्विड शुड बी 18%, कितना होना चाहिए? 18%। द साल्ट इज रबर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिश एंड स्टैक्ड इन लेयर्स ऑफ साल्ट एंड फिश, तो इसका आंसर क्या आएगा? किंच साल्टिंग। किंच साल्टिंग जो है इसका आंसर आएगा। द टाइप ऑफ क्योरिंग विदाउट स्प्लिटिंग द फिश ओपन वेयर द इंटेस्टाइन एंड इंटरेल्स आर रिमूव्ड बाई पुलिंग आउट थ्रू द गिल रीजन, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोना क्यूरिंग। क्या बोलेंगे? मोना क्यूरिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर? क्वेश्चन आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ प्यूट्रीफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मैरिनेट्स इज ग्रेटली डिलेड। अब प्यूट्रीफेक्टिव क्या होता है? प्यूट्रीफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये होते हैं डिके बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया इन्वॉल्वड इन प्यूट्रीफेक्शन ऑफ लिविंग मैटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एस्टिक एसिड भी है, साल्ट भी है, शुगर भी है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर है। द कंडीशन ऑफ हार्डनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द फिश देयर बाई डिलेइंग द साल्ट पेनिट्रेशन, तो साल्ट बर्न जो है इसका सही आंसर है। द फिनोमिना ऑब्जर्वड इन ब्राइन पिकल्ड फैटी फिश ड्यूरिंग स्टोरेज इज कॉल्ड मैचुरेशन। बिफोर ए फिश पोर्शन इज बैटर्ड इट अंडरगोज द फॉलोइंग स्टेप,
before fish portion is battered, it undergoes the following step. तो इसका आंसर आएगा प्री डस्टिंग. क्या आएगा? प्री डस्टिंग. फिर क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ब्रीडिंग. तो ब्रीडिंग, ये भी ये ब्रीडिंग है, बी आर ई ए डी ब्रीडिंग. तो अगर आप फंक्शन देखें ब्रीडिंग का, वो क्या है? इसका आंसर आएगा सेकेंडरी कोटिंग. क्या आएगा? सेकेंडरी कोटिंग. इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पीलिड एंड डिवीनिड श्रिम्प और स्ट्रेच्ड श्रिम्प इज कॉल्ड. तो इसका आंसर आएगा नोबैशी. क्या आएगा? नोबैशी जो है इसका आंसर आएगा. फिर अकॉर्डिंग टू एफ ए ओ, फिश प्रोटीन कंसनट्रेट विच इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस इज, किस में आएगा? ये टाइप बी के अंदर आएगा. बैटरेड एंड ब्रेडेड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, बैटरेड एंड ब्रेडेड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कोटेड, आर कॉल्ड कोटेड. द ब्रीडिंग मटेरियल्स विच रिजेंबल्स एन इलोंगेटेड स्पिंडल लाइक श्रेडेड चीज, लाइक श्रेडेड चीज. तो ये है जापानीज स्टाइल. क्या है? जापानीज स्टाइल. द रॉ फिश इज प्रिजर्वड इन मिक्सचर ऑफ एस्टिक एसिड एंड 10% सॉल्ट एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 4.5. तो ये कौन सी होती हैं? कोल्ड मैरिनेड्स, कोल्ड मैरिनेड्स. द मायोफेबुलर प्रोटीन इन व्हाइट मसल्स ऑफ फिश रिप्रेजेंट डैश डैश ऑफ टोटल प्रोटीन्स. ये आएगा 65-75%. सुरमी इज डिवाइड ऑफ डैश डैश प्रोटीन्स. ये वाटर सोलिबल प्रोटीन होता है सुरमी के अंदर. द मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोटीन इन सुरमी इज, तो जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोटीन सुरमी के अंदर होता है वो होता है मायोसिन. अब सुरमी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलती है मार्केट के अंदर, कमर्शली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. इसीलिए सक्रोस एंड सॉर्बिटॉल कंबाइनली और एडेड टू डिवाटेड मीन्स एज ए क्रिप्टोटेक्टेंट, क्रायोप्रोटेक्टेंट्स एट डैश डैश लेवल. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8%. 8% जो है इसका सही आंसर आएगा. फिर है द टेम्परेचर रेंज एट विच मायोसिन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स इज. द टेम्परेचर रेंज एट विच मायोसिन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इज, ये आएगा 40-45% इसका आंसर आएगा. फिर है जी मैरिनेटेड हार्ड ड्राइड प्रोडक्ट्स. अब जो मैरिनेटेड हार्ड ड्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिश सेटे. क्या होते हैं? फिश सेटाए जो होते हैं ये होते हैं. अब है फिश स्यूसेज. फिश स्यूसेज जो है ये बड़ी अच्छी डिश होती है, ये अच्छा प्रोडक्ट होता है, इसकी बड़ी कमर्शली बड़ी अच्छी डिमांड रहती है. अब जो फिश स्यूसेज है ये जापान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो अगर आ गया क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं जापान. कलर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मोक प्रोडक्ट इज डैश डैश कलर. जो कलर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मोक का होता है प्रोडक्ट का, जब हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली हम स्मोक करते हैं, जब उसको हम प्रिजर्व करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं फिश की, तो जो उसका कलर होता है उस टाइम वो क्या होता है? वो ब्राउन होता है. क्या होता है? ब्राउन जो होता है उसका कलर होता है. कंपोनेंट ऑफ वुड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इम्पेटिंग स्मोक फ्लेवर. तो इसका आंसर आएगा फिनोलिक कंपाउंड. फिनोलिक कंपाउंड जो है इसका सही आंसर है. फिर है बेस्ट फिश सॉस. फिश सॉस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश डैश फिश. फिश सॉस जो है बड़ी बेहतरीन जो है, फिश सॉस जो है ये बड़ी बेहतरीन डिश मानी जाती है इंडिया के अंदर और भी बहुत सी बाहर सी जगह जगह के अंदर. तो सार्डिन जो है, सार्डिन जो इसका आंसर है सही. ए क्योर इन विच मॉइस्चर कंटेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट ऑट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सॉप्शन एसुथोम. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैस्मिन इज स्मोक क्यूर्ड प्रोडक्ट ऑफ. अब मैस्मिन जो है ये लक्षद्वीप इन मालदीव्स के अंदर ये दी जाती है. रॉ मटेरियल ऑफ मैस्मिन. जो रॉ मटेरियल होता है मैस्मिन का वो क्या होता है? टूना. टूना होता है इसका सही आंसर. अगर मैस्मिन की बात करें तो मैस्मिन के साथ टूना की बात करनी बड़ी ज़रूरी होगी. फिश इज मोस्टली यूज्ड इन कोलंबो क्योरिंग. अगर हम कोलंबो क्योरिंग की बात करें वहाँ पे मोस्टली जो फिश होती हैं वो कौन सी यूज़ होती हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मैकरल भी होती हैं, सैडिन्स भी होती हैं, फैटी फिश भी होती हैं. तो ऑल ऑफ दी एबो जो है इसका सही आंसर है.
नेचुरल प्रिजर्वेटिव इज़। अब यो जो नीचे दिए गए हैं इनमें बताना है जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो कौन सा है। तो आपको बताएं जो विटामिन ई है ये भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, विटामिन डी जो है ये भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ऑफ दी इबो नॉट बिलो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्डल्स यूज इन फूड प्रिजर्वेशन आर, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए टेम्परेचर भी होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स, रेडॉक्स पोटेंशियल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी इबो। मेटाबॉलिक जो एग्जिशन होता है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज ए फिनोमिना कॉल्ड, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मेटाबॉलिक एग्जिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर आएगा ऑटोस्टरलाइजेशन जो है इसका सही आंसर है। और हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी टारगेट प्रिजर्वेशन की। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी टारगेट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली बाई, ये किसने रिसेंटली किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो यह ऑप्शन दिए गए हैं अलेक्जेंडर, फ्रांसिस कैंडो, लेस्टनर। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी है ये है लेस्टनर, लेस्टनर जो है इसका सही आंसर है। द ऑर्गेनिक एसिड यूज टू नेचुरली प्रिजर्व फर्मेंटेड फूड्स एंड सैनिटाइज मीट, तो इसका आंसर क्या आएगा, लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव हैज एंटीमाइक्रोबियल, यस। प्रोटियोलिसिस, यस। रिड्यूसेस पीएच, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी इबो। फिर है जी फिश, फिश सॉसेस इन कोरिया आर कॉल्ड, फिश सॉसेस आर कोरिया आर कॉल्ड ज्यूटकल, ठीक है ना, ज्यूटकल इसको कहा जाता है। द सीओस मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड फ्रॉम एंक्यूविज इज, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, वर्सेस्टरशायर सीओस, जिस तरह से इंग्लिश का नाम होते हैं ऐसे ही इसका नाम भी है, ठीक है ना। फिश पेस्ट विच आर मेड विद मिंसिड आर ब्लेंडेड फिश आर शेल फिश इंक्लूडेड फ्रॉम लाउस इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पैडिक, PADE के पैडिक जो है इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन क्या आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिशनल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेड फिश फूड इन कोरिया इज, तो इसका आएगा सोमफोग जो है इसका सही आंसर है। फिर क्या आ रहा है, द फर्मेंटेड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रोसेस ए फिफ्थ बेसिक टेस्ट, तो ये है उमामी, क्या आएगा, उमामी जो है इसका आंसर है। शीडल, शीडल इज ए साल्ट फ्री फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट इंडिजिनियस टू द नॉर्थ ईस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया, तो ये आएगा बोथ सिटिपना फेसा भी आएगा, पुंटिस स्पीशीज ये दोनों आएंगे। अगर हम माइक्रो फ्लोरा की बात करें ऑब्जर्वड इन फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्टेपोलोकस ये भी है, बेसलस भी है, माइक्रोकोकस भी है, तो ऑल ऑफ दी इबो जो है इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द काइंड ऑफ ड्रायर्स जनरली यूज फॉर ड्राइंग फूड विच आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर सस्पेंशंस, तो इसका आंसर आएगा स्प्रे ड्रायर, क्या आएगा, स्प्रे ड्रायर यूज करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ड्राई एम्प्रियस लेयर ऑन द सरफेस ऑफ फिश प्रिवेंटिंग द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं केस हार्डनिंग, क्या बोलते हैं, केस हार्डनिंग। फिर है जी द बैक्टीरिया कॉजिंग रेड एंड पिंक कलर इन साल्टेड फिश इज, तो इसका आंसर आएगा हेलोफिलिक, क्या आएगा, हेलोफिलिक जो है इसका सही आंसर आएगा। फिर द फंक्शन ऑफ NaCl इज, NaCl का फंक्शन क्या है, रिड्यूस करता है मॉइस्चर को, यस। प्लाज्मोलिसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल, यस। प्रिजर्वेटिव एक्शन, यस। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका सही आंसर आएगा। द स्पॉइलेज आइडेंटिफाइड बाई मेलानोड्रोमस स्लाइम ऑन द सर्फेस ऑफ द साल्टेड फिश इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन हम इसको कहते हैं। इन सोरमी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम फैटी फिश द केमिकल एडेड इन वॉशिंग सोल्यूशन फॉर रिमूविंग फैट इज, यह है NaHCO3, NaHCO3। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोरमी इज एनहेंस्ड बाई एडिशन ऑफ पॉलीफॉस्फेट्स, क्या आएगा,
पॉलीफॉस्फेट्स। फिर है जी इन कैम्बोको प्रोसेसिंग ऑफ सुरमी, इन कैम्बोको प्रोसेसिंग ऑफ सुरमी द जेल्स आर कुकड एट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो बोथ ऑफ दी इबो। अब आपको मैंने पहले बताया जो कैम्बोको है ये क्या है, ये टाइप ऑफ क्यूरिड सुरमी, क्या है, टाइप ऑफ क्यूरिड सुरमी, जो एक सी फूड प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जापान के अंदर ये बहुत ज़्यादा माना जाता है। रेट्रोगेशन इज ऑब्जर्वड विद द फॉलोइंग मटेरियल जिलेटिनाइजर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टार्च। HACCP is based on set of dash dash principles, ये आएगा 7। The fermented fish paste prepared from a mixture of powdered sun-dried esomesus, danicus and petioles of alocasia microsia in India is, तो इसका आंसर क्या आएगा, हेंटिक, क्या आएगा, हेंटिक। The test used to determine the quality of gel is teeth cutting test, yes, folding test, yes, both of the above जो हैं इसका आंसर आएगा। What is खुजी करुवेदु, what is खुजी करुवेदु, तो इसको बोलते हैं pit cured fish, pit cured fish को हम कहते हैं। Identify the physical hurdle from the following, तो इसका आएगा low temperature। Which essential अमाइनो एसिड इज मोस्ट ईजली लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा होता है, लाइसिन जो है ये लॉस्ट हो जाता है मोस्टली। वट आर द इन्ग्रीडियंट्स एडेड टू एन ऑर्डिनरी बैटर टू मेक इट टेम्पोरा बैटर, तो इसका जो आंसर आएगा होगा NaHCO3 एंड लिवनिंग एसिड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इमल्शन कैपेसिटी बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ मायोसिन इज, तो हाइड्रोफोबिसिटी जो है इसका सही आंसर है। प्रिजर्वेशन ऑफ फिश मींस टू प्रिवेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी या बोलते हैं ऑटोलिसिस, तो इसका ये आंसर है। वैल्यू एडिशन ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स इंश्योर, देखिए वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, यस, यूटिलाइजेशन ऑफ लो लॉस्ट कॉस्ट फिश, यस, यूटिलाइजेशन ऑफ बाई कैच फिश, यस, ऑल ऑफ दी बो, यस, तो ऑल ऑफ दी बो जो है इसका आंसर आएगा। वाटर एक्टिविटी की अगर हम बात करें ऑफ एब्सोल्युटली ड्राई प्रोडक्ट इज, वाटर जो एक्टिविटी होती है एब्सोल्युटली जो है वो कितनी रहती है, तो इसका आंसर आएगा जीरो, क्या आएगा, जीरो जो है इसका आंसर आएगा। फिर है लोवेस्ट AW ऑस्मोफिलिक यीस्ट कैन टॉलरेट, अब जो लोवेस्ट ऑस्मोफिलिक जो है यह है 0.62, क्या है 0.62। द पार्टिकल साइज ऑफ द स्मोक इज डैश डैश माइक्रोन इन रेडियस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 0.12 0.14 जो है इसका सही आंसर है। अगर हम हार्ट स्मोकिंग की बात करें, हार्ट स्मोकिंग डन इन एन इंटेंस ड्रॉट ऑफ हॉट एयर डैश डैश डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फायर, तो ये है 75 to 80% 80 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड स्मोक इज प्रिपेयर्ड बाय डैश डैश, लिक्विड स्मोक इज प्रिपेयर्ड बाय पायरोलिसिस ऑफ हार्डवुड सॉडस्ट। सैल्मन क्यूर्ड इन ए साल्ट शुगर रब आर ब्राइन क्यूर्ड सैल्मन, तो इसका आंसर क्या आएगा, नोवा। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्सचर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स, ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, मायोफेबुलर प्रोटीन्स, क्या आंसर आएगा, मायोफेबुलर प्रोटीन्स जो है इसका सही आंसर है। फिर अगर हम बात करें फ्रोजन सुरमी जो है इज टेम्पर टू ए टेम्परेचर ऑफ डैश डैश -8 to 4 डिग्री सेल्सियस, कुकिंग द पैकेज्ड फाइबराइज्ड प्रोडक्ट टू एन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ डैश डैश फॉर 20 मिनट्स इज, क्या आएगा, डैश डैश क्या है, 85 डिग्री सेल्सियस आएगा। द ऑपरेशन ऑफ
शेपिंग ए प्लास्टिक और डॉ लाइक मेटीरियल बाई फोर्सिंग इट थ्रो ए रिस्ट्रिक्शन और डाई। तो इसका आंसर क्या होता है? एक्सट्रूशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूशन कहते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ इन एक्सट्रूडर, एक्सट्रूडर का फंक्शन होता है एग्लोमेरेशन, ठीक है, जिलेटिनाइजेशन, ठीक है, प्रोटीन डिनेचुरेशन, ये भी ठीक है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द इबो, ऑल ऑफ द इबो जो है इसका सही आंसर आएगा। आइडेंटिफाई ए फिजिकल हर्डल, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये एक फिजिकल हर्डल है। द मैथड डिहाइड्रेट्स माइक्रोबियल सेल्स बाई प्लाज्मोलिसिस देयर बाई इनहिबिटिंग, तो क्या आएगा? शुगरिंग। शुगरिंग जो है इसका सही आंसर आएगा। फिर है हेंटेक इज द फर्मेंटेड फिश बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ, ये इंडिया की है, हेंटेक जो है फर्मेंटेड फिश बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। फाइंड आउट द टर्म रिलेटेड टू मोनिटर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा टेम्परेचर। याद रखना जब भी CCP की बात आए तो आप टेम्परेचर को ज़रूर याद करना और इसी को टेक करना, इसके बगैर किसी को टेक नहीं करना। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, ए और बी को हमें मिलाना है। तो देखिए अगर हम रस्ट की बात करें, रस्ट आता है ऑयली फिश के अंदर, किसके अंदर आता है? ऑयली फिश के अंदर। अगर हम बात करें न्यूक मैम की अगर हम बात करें, ये क्या आता है? वियतनाम, वियतनाम के अंदर ये बहुत चलता है, इसका नाम वियतनाम के अंदर न्यूक मैम जो है वियतनामी है। पैटिस की अगर हम बात करें, पैटिस थाईलैंड, पैटिस क्या आएगा? थाईलैंड। और अगर हम बात करें बुडू, BUDU बुडू की बात करें, ये फिलीपीन। और नम्पला, नम्पला जो है, नम्पला की अगर हम बात करें, ये आता है मलेशिया, क्या आता है? मलेशिया। और चिकवा, चिकवा जो है, चिकवा जो है वो क्या आता है? चिकवा, चिकवा जो आएगा वो आएगा एच ब्रोलिंग, क्या आएगा? चिकवा आएगा एच ब्रोलिंग, ये नीचे आएगा यहाँ पे चिकवा। फिर है हेम्पिन, हेम्पन जो है, हेम्पन की बात करें, हेम्पन क्या आएगा? हेम्पन जो है इसका ऑप्शन आएगा ई बॉयल्ड, हेम्पन क्या होता है? ई बॉयल्ड। और अगर हम बात करें कैम्बोको की, कैम्बोको क्या है? कैम्बोको, कैम्बोको जो है ये स्टीमिंग, कैम्बोको क्या आएगा? स्टीमिंग। तो ये इनके साथ मैच कर रहे थे जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। क्या बताया आपको मैंने? जो चीज़ें मैंने अभी आपको मैच करवाई ये इसी के साथ मैच कर रही थी। तो ये फ़िश प्रोडक्ट्स थे कुछ, और कुछ वैरायटीज़ थी, ये कॉमन नाम कहाँ पे कहाँ यूज़ होता है, तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्योंकि जिस तरह से न्यूक मैम मैंने बताया, न्यूक मैम जो है ये कॉमन नेम होता है एक वैरायटी जो वियतनाम के अंदर बनाई जाती है, एक फ़िश की वैरायटी, तो न्यूक मैम जो है वियतनाम के अंदर। इस तरह से बाकी जो थे उन्होंने मैच किया। अब हम बात करेंगे ये जो है सीपूमेलिन जो है इसका आएगा जे इंक, और आइसोलिट्रॉल का आएगा शार्क लेवर ऑयल। यहाँ नीचे दिए गए हैं कुछ, यहाँ देखते हैं, यहाँ मिलाते हैं। साल्ट फ्री की अगर हम बात करें, साल्ट फ्री आएगा जो साल्ट फ्री है, साल्ट फ्री की अगर हम बात करें, हाँ ये है म्यून सुरमी। साल्ट फ्री क्या है? साल्ट फ्री है म्यून सुरमी। उसके बाद है रा सुरमी, रा सुरमी की अगर हम बात करें, रा सुरमी आता है नामा, क्या होता है? नामा, ये नामा आएगा रा सुरमी। छोड़ो इसको अभी, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह से पूरी तरह फुल मैच नहीं कर रहे, इसलिए आप रहने दो, आप खुद पढ़ लो। रा सुरमी क्या आएगा? स्पोनिफिकेशन क्या होता है? जेल स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, वाइट स्पॉट्स कहाँ होते हैं? अटोरी क्या है? टैक्यू सुरमी क्या है? मिक्सड साल्टिंग क्या है? या अगर हम बात करें रिबन फिश की, या न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेकडाउन क्या होता है? डी रस्ट क्या है? तो रिहूट रस्ट क्या है? रूहूटेक्स क्या है? प्यूट्रीफैक्टिव क्या है? एरोबिक क्या है? तो नामा क्या है? ये चीज़ें जो हैं ये आप मैच कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ूंगा। आपके पास टाइम बहुत अभी कुछ थोड़ा बहुत दिया गया है, तो आप रिवाइज़ कीजिए, इसको लाइक कीजिए और नोट डाउन कीजिए कॉपी के ऊपर आप अच्छी तरह से। अगर आपको देख रहा है कि आपको स्पीड बहुत तेज़ है, तो आप स्पीड सेटिंग में जाके आहिस्ता कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत आहिस्ता है, तो आप सेटिंग में जाके स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑप्शन आपके हाथ में है। साउंड की अगर प्रॉब्लम है तो ईयरफोन लगा दीजिए, अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है तो आप साउंड कम कर दीजिए। तो हर चीज़ आपके पास ऑप्शन है, अवेलेबल है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे आप मेल कर सकते हैं, अगर किसी को कोई मटेरियल ज़रूरत हो तो मुझे ashfaqlone45 पे मेल भेज सकता है, तो उसको मैं PDF भी भेज दूंगा। लेकिन PDF को अंदर आंसर नहीं हो गए, आंसर के लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो देखते रहिए आप टीचिंग बिहारी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।